नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की राजनीति की खास खबर। आसनसोल में वोटिंग के दौरान झड़प, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नवजोत सिंह। कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री सिद्धू ने कहा, अगर राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हार जाते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि अमेठी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को टिकट दिया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड की शिकायत के आधार पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया गया है। TMC बीरभूत जिला अध्यक्ष को 30 अप्रैल तक नजरबंद करने के निर्देश। पश्चिम बंगाल में TMC बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को 30 अप्रैल तक के लिए नजरबंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में सोमवार को चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। राफेल डील, CGI ने मोदी सरकार से कहा, कोर्ट के साथ हाई एंड सीक का खेल क्यों खेल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। CGI ने कहा कि केंद्र के वकील कह रहे हैं कि वो जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो राफेल में हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट के साथ हाइड एंड सीक नहीं खेला जाएगा। कन्नौज में कई सपा नेताओं को किया गया नजरबंद। लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण के मतदान के एक दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पुलिस ने कई सपा नेताओं के आवास पर छापेमारी की और कुछ नेताओं के घर के बाहर पुलिस की तैनाती भी की। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई रुपए बांटने की शिकायत के आधार पर की गई है। सनी देओल ने स्वर्ण मंदिर में टेका माथा। आज गुरुदासपुर में भरेंगे नामांकन। गुरुदासपुर में भाजपा प्रत्याशी और बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन की प्रतिक्रिया से पहले सनी देओल स्वर्ण मंदिर पहुंचे और बाबा के दर पर माथा टेक कर अपने राजनीति के नए सफर के लिए आशीर्वाद मांगे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।